तो फाइनली पहुंच चुके हैं पीयूसी। ए ताला लगा हुआ, चाबी तो ले गया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ बिकॉज अभी साहिल पहुंच चुका है दिल्ली, तो उसको लेने के लिए जाना है अभी बस स्टैंड पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हिसार कार की डिलीवरी लेने के लिए गेमर फ्लीट भैया की, तो वो भी साथ में उनके, तो वो पहुंचने वाले हैं बस स्टैंड। और अगर टाइम मिलेगा तो हम हासी भी जाके आएंगे हमारे पुराने वाले घर में। पीयूसी उठ जा, चल गाड़ी में सो जाइयो, चल गाड़ी में सो जाइयो। सुबह सुबह 5 बजे पहली बार लिफ्ट चला रहे हैं हम। तो भी हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर 26 मिनट दिखा रहा है। और कैसे हो? तीन जने पीछे, तीन जने आगे। तो अभी गाइज फाइनली साहिल, गेमर फ्रीड भैया, गौरव एंड के पापा जी आ चुके हैं, तो फिलहाल अब हम निकलते हैं हिसार के लिए। यहाँ से अराउंड 199 किलोमीटर। एक्साइटेड फॉर न्यू कार? बहुत ज्यादा भाई, मैं सो के नहीं आया, पता है क्या? मैं भी नहीं सोया हूँ। तो अभी गाइज सनराइज हो चुका है और हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ से ड्राइव करेगा साहिल बिकॉज मुझे वीडियो अपलोड करनी है। 7:30 हो चुके हैं तो मेरे पास आधा घंटा है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फिर मैं ड्राइव करूंगा। बाय द वे हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया है, हरियाणा में एंटर कर लिया है, यहाँ से अराउंड 1.5-2 घंटे लगेंगे। वीडियो अपलोड हो चुकी है और फिर से मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे इन हरियाणा की सड़कों पे बहुत टाइम के बाद। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हिसार। तो सबसे पहले हम आए हैं टाटा के शोरूम, यहाँ पे गाड़ी वगैरह देखते हैं। ओहो खुशी खुशी, मैं समझ सकता हूँ पहली कार की कैसी खुशी होती है। तो फिलहाल मैं तो अभी शोरूम से आ गया हूँ बिकॉज मेरे को अपनी थार धुलवानी थी। वहाँ पे अभी शोरूम पर डॉक्यूमेंट का काम होगा, बिलिंग का काम होगा और गाड़ी रेडी हो रही है, तो उसमें टाइम लग गया ना, इतनी मैं अपनी थार धुलवा लेता हूँ ना। तो भी गाइस गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब चलते हैं। तो भी गाइस मैं शोरूम पे पहुंच चुका हूं और ये बैक साइड में खड़ी है गेमर फ्रीड भैया की न्यू कार। ये देखो कितनी मस्त लग रही है। एक्चुअली सीन ये था ना, हल्द्वानी से मिल नहीं रही थी बट यहाँ मिल रही, तो मैंने यहाँ से बुक करवा दी। मैं कहा चलो यहीं से ले आएंगे। सुनो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने भी सीधा इनोवा ली थी, उसी से सीखा था। अपने आप खुद ही आ जाएगा आपको जब आप चलाओगे ना। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जब कोई पहाड़ी बंदा मेहनत के साथ में कुछ अचीव करता है ना, तो बहुत बहुत प्राउड फील होता है। जितनी खुशी आपको है ना उतनी हमको भी है। यार हमने वीडियो तो पहले बना ली है वैसे। कपड़ा क्यों उठा रहे हम? 2-1 ये कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब फाइनली निकलते हैं और अब मैं ड्राइव करूंगा, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। तो भी गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं हासी, हमारे पुराने वाले घर में। थोड़ी देर 10-15 मिनट रुकेंगे वहाँ पे और फिर हम वापस जाएंगे दिल्ली बिकॉज आज हमको निकलना है और कल इनको भी निकलना है ना। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भी हम हमारी कॉलोनी में पहुँच गए हैं और लिटरली बहुत अजीब सा लग रहा है यार देख के सब कुछ, बहुत टाइम के बाद आया हूँ ना। तो फाइनली पहुँच चुके हैं पीयूसी। ताला लगा हुआ, चाबी तो ले गया भाई। बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार लिटरली। ओ भाई मिट्टी, ये था मेरा स्टूडियो। इसकी चाबी कहाँ होगी यार? इसकी चाबी आई थिंक पापा जी ले गए हैं। अरे याद है ओरियो ऊपर भाग जाता था यहाँ से, ओरियो नीचे दिखता रहता था और मैं ओरियो को डांटता रहता था। अभी फिलहाल शुभम भी आ चुका है। तो भी गाइस एक्चुअली काफी लेट हो रहा था इसलिए हम निकलते हैं। तो अभी लॉक कर रहे हैं, हार्डली हम 10 मिनट रुके होंगे घर पे, फिलहाल जा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं ना, दिल्ली पहुंच रहे हैं, 5-6 घंटे लग जाएंगे आराम से। और क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया। तो अभी सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अभी हम निकल पड़े अपने पुराने घर से और पुराने घर को देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी पीयूष तो मिल लिया अपने फ्रेंड से, शुभम और अग्रिम से। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं लंच करने के लिए बिकॉज सुबह से कुछ खाया था, एक छोटा सैंडविच खाया था बस। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम निकलते हैं दिल्ली के लिए और पारस भाई से मिलेंगे। तो अंशु भाई की तो ये आ गई और कुछ दिनों में ये वाली आने वाली है। हरियाणा में आके ये जरूर दिखते हैं हमको हमेशा। आज
तो अभी गाइस हम चलते जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 4:30 और पीयूष तो अपना मस्त हो गया, सीट को इसने लेटा दिया है। तो अभी फिलहाल मैं भी रेस्ट करता हूँ, गोपाल भाई चला लेंगे थार को, क्योंकि मैं अभी 3 घंटे सोया हूँ ना, तो मैं भी रेस्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि रात को हमारा प्लान है कहीं मीटिंग में जाने का। इसने तो अपनी मस्त नींद ले लिया है, 2 घंटे सोया हुआ है। चलो सोते हैं, चलो सोते हैं। तो अभी फिलहाल मैं भी थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। तो अभी गाइस फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और 7:30 बज गए। हम कितने बजे निकले थे? पूरे 4:30 घंटे लग गए और मैं थोड़ा बहुत सोया था। तो अभी फिलहाल हम होटल पे आए हैं और इसके बाद हमारी एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो उसके लिए जा रहे हैं और डिनर भी वहीं कर लेंगे। आई थिंक यहाँ पे शादी है, देखो कितना प्यारा सजा रखा है। उसके बाद गेमर भाई हमको ले गए एक रेस्टोरेंट में न्यू कार की पार्टी के लिए, बट हमने वहाँ वाटर का प्राइस देखा 225165, तो हमको लगा कि पानी इतना महंगा क्यों है। तो हमने गूगल करने की कोशिश की, जहाँ पर हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो हमने थोड़ी देर रिसर्च की और हमको कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हमको प्यास नहीं लगी है तो हम पानी नहीं पियेंगे। और वहाँ पर टेबल के बीच में काफ़ी सारी बॉटल्स रखी थी जिसके अंदर क्या था मेरे तो समझ के बाहर था। और उसके बाद श्लोक भाई ने भी हमको ज्वाइन किया और फिर हमने उनसे भी डिस्कस किया इन सब चीज़ों के बारे में कि ये ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें इतनी महंगी क्यों है, पिज़्ज़ा 600-700 के इतने महंगे पिज़्ज़ा क्यों हैं। तब उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट वालों को रेंट वेंट देना होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और ये बात सुन के गेमर भाई रोने लगे, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा पीयूष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, लेकिन ये लेमन सोडा बहुत अच्छा था। तो अभी गाइस खा पी के आ चुके हैं और 10 बज चुके हैं, अब जाएंगे हम वापस नोएडा। यार मुझे जाके एडिट करना है यार, मुझे एडिट नहीं करना होता, मैं पक्का रुकता यार, पूरी रात नाइट आउट करते यार, लेकिन एडिट 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 जरूर भाई। तो अभी फाइनली लक्ष्य भाई घर पे पहुंच चुके हैं और टाइम देखो 11 बज गए। आज तो हम हरियाणा चले गए थे, फिर हरियाणा से वापस आए और फिर डिनर वगैरह करा और आज का दिन भी ऐसे निकल गया। कोई बात नहीं, वैसे हमारा प्लान है बॉलिंग पे जाने का, गोल्फ पे जाने का और भी बहुत जगह जाने का, तो वो अच्छे से टाइम निकालेंगे पूरा दिन, तब चलेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और एडिटिंग कंप्लीट कर लिया मैंने। रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, बहुत थक गया था ना, तो मैं आके सो गया था। अभी सुबह 4 बजे उठा, एडिटिंग स्टार्ट की और फिलहाल कंप्लीट किया मैंने। तो फिलहाल अभी साहिल और पीयूष तो अपना सो रहे हैं मस्त, तो मैं अभी शायद थोड़ी देर सोऊंगा। बाकी आज क्या करना है देखते हैं, आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, कहीं जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो फिलहाल इसको मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। हम पुराने घर में गए और मतलब बहुत अच्छा लगा हुआ यार वहाँ जाके, मतलब सारी यादें ताज़ा हो गई। और मतलब कभी फैमिली के साथ में जाएंगे अच्छे से, तो वहाँ रुकेंगे थोड़े दिन और प्लान बनाएंगे जल्दी ही। तो हाँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भी गाड़ी को धक्का जा रहा है, धक्का 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 धक्का।